ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां छोटी छोटी दुकानें हैं, ऊपर मात्र आपको टीन के शेड दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि कोई बहुत बड़ा पक्का कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। भारत और बांग्लादेश में लोगों का रहन सहन, खान पान, इमारतें, दुकान कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इसलिए आप ये समझ सकते हैं इन दुकानों को देख कर कि इन दुकानों को चलाने वाला कोई लखपति करोड़पति तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे छोटे छोटी दुकानों को चलाकर अपना जीवन अपना पेट पालने वाले दलित हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, वो तस्वीरें आपके सामने। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से वहां के हालात बदतर होते चले जा रहे हैं और सबसे ज्यादा खतरा हिंदुओं के सिर पर मंडरा रहा है। अब वो चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, सिंगर हो, राहुल आनंद जैसा कोई व्यक्ति हो, या फिर वो कोई दलित हिंदू हो, कोई गरीब हो जो अपनी छोटी सी दुकान चलाकर अपना पेट पाल रहा हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। हिंदुओं पर हमला करने का एक नया वीडियो सामने आया है। बांग्लादेश के सिलहट इलाके से ये तस्वीर आई है जहां पर हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया है। इतनी आग लगी हुई है कि इसे बुझाने की भी अगर कोई कोशिश करे तो कितनी ही कोशिश कर पाएगा। दंगाइयों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। जान बचाने के लिए हिंदू अपने घर को छोड़कर भागने पर मजबूर है और शायद ये दंगाई यही चाहते हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक एक घर को आग के हवाले किया जा रहा है। छोटी छोटी दुकानों को, क्योंकि वो किसी हिंदू की दुकान है, उसे आग के हवाले किया जा रहा है। पानी डाल डाल कर आग बुझाने की कोशिश कितने भी हिंदू वहां पर कर ले, लेकिन कितनी सुरक्षा उसके बाद भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर आपको दे दें। ढाका में मशहूर हिंदू सिंगर राहुल आनंद के घर को भी दंगाइयों ने निशाना बनाया है। करीब 140 साल पुराने राहुल आनंद के घर में लूटपाट करने के बाद दंगाइयों ने उसे आग के हवाले कर दिया। राहुल आनंद के घर के अंदर करीब 300 हैंडमेड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का कलेक्शन था। दंगाई उसे भी अपने साथ लूट कर ले गए। राहुल आनंद बांग्लादेश के मशहूर म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट और सिंगर हैं। राहुल आनंद ढाका में जलर गान नाम का एक पॉपुलर लोक बैंड भी चलाते हैं, लेकिन अब वो दंगाइयों के निशाने पर हैं। अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई कि कैसे छोटी छोटी दुकानों को, क्योंकि वो किसी हिंदू की दुकान है, उसे जलाया गया। छोटे छोटे घरों को, क्योंकि वो हिंदू के घर है इसलिए उन्हें जलाया गया। लेकिन जो वहाँ की सेलिब्रिटी हैं, जो राहुल आनंद एक हिंदू सिंगर हैं, एक पॉपुलर चेहरा है, जिनका 140 पुराना एक हेरिटेज होम है, इतना बड़ा घर, इतना पुराना घर, उसे भी खाक कर दिया गया। इसका मतलब तो यही हुआ कि सिक्योर कोई नहीं है, चाहे वो कोई अमीर हिंदू हो, चाहे वो कोई गरीब हिंदू हो, चाहे वो कोई अपर कास्ट का हिंदू हो, चाहे वो कोई लोअर कास्ट का हिंदू हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। दो तस्वीरें एक साथ आप देखें, एक तरफ राहुल आनंद के घर पर रखे हुए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का कलेक्शन आपको दिखाई देगा। वो हर व्यक्ति जो संगीत की समझ रखता हो, वो हर व्यक्ति जो संगीत सुनना पसंद करता हो, वो आज इन दो तस्वीरों को देखे। एक तरफ जहां पर ये साज रखे हुए हैं और वो दूसरी तस्वीर जहां पर ये साज लूट लिए गए, उन कमरों को जला दिया गया, शायद वो किताबें जिनके अंदर बड़ी बड़ी कॉम्पोजिशंस रखी हुई हो, बड़े बड़े गाने लिखे हुए हों, उन्हें जला दिया गया। राहुल आनंद कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी इस घटना की सीरियसनेस का अंदाजा आप लगा पाएंगे। राहुल आनंद के घर में रखे हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये तस्वीरें आप देखें। सोमवार से पहले राहुल आनंद के घर में कितना शानदार दृश्य था। छोटा गिटार, बेंजो, मेंडोलियन, न जाने कितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ये सारे हैंडमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, खास तरह की लकड़ी से तैयार किया जाता है। इसमें एक एक मेकर का खून पसीना जाता है। लेकिन आज इसकी तस्वीर क्या है,
आज की तस्वीर देखिए। वो तमाम शेल्फ जिनमें इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे, जिनमें संगीत से जुड़ी हुई किताबें रखी हुई थी, वो आज सब जलाई जा चुकी हैं, तोड़ी जा चुकी हैं। इंस्ट्रूमेंट या तो तोड़ दिए गए हैं या फिर यहाँ से लूट कर दंगाई ले जा चुके हैं। 140 साल पुराना घर कैसे खाक कर दिया गया? क्यों? क्योंकि ये एक हिंदू का घर था। हिंदुओं के खिलाफ ये कैसा जिहाद वहाँ पर पल रहा है, ये कैसे कट्टरपंथी जमात वहाँ पर पैदा हो चुकी है जो हिंदुओं को उनके घरों में टॉर्चर कर रही है। ढाका में राहुल आनंद का ये घर करीब 140 साल पुराना है। पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी राहुल आनंद के घर पहुंचे थे। इमैनुअल मैक्रों ने राहुल आनंद के घर में काफ़ी वक्त बिताया था। ये देखिए जो वहां का पारंपरिक तरीका है आरती करके स्वागत करने का तरीका, जो हिंदुओं की परंपरा है, और उसके बाद फिर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बाकायदा इमैनुअल मैक्रों के हाथ में दिया गया था। आप इसी से अंदाजा लगाए, जब किसी और देश का राष्ट्राध्यक्ष एक सेलिब्रिटी के घर में आता है तो उसका रसूख कितना होगा, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी होगी और उससे ऊपर उसका टैलेंट कितना बड़ा होगा। लेकिन आज इस टैलेंट की इज्जत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। राहुल आनंद का घर ढाका के धानमंडी 32 में है। सोमवार की दोपहर दंगाइयों की भीड़ गेट तोड़कर इस घर के अंदर दाखिल हो गई, घर में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, लूटपाट मचानी शुरू कर दी। और फिर जब राहुल आनंद, उनकी पत्नी और उनका बच्चा यहाँ पर नहीं मिला तो वहाँ ये सब कुछ आग के हवाले करके, तोड़फोड़ करके यहाँ से भाग गए। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। कहाँ है ढाका में पुलिस, कहाँ है सेना, कौन लेगा हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी, ये सवाल है। ओंकार सरकार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, आइए हम सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं। ओंकार, इस वक्त जो परिस्थिति बनी हुई है, हम देख रहे हैं राहुल आनंद जैसे मशहूर शख्सियत के घर पर भी हमला, और जो छोटी छोटी दुकानें चलाकर अपना पेट पाल रहे हैं क्योंकि वो हिंदू हैं इसलिए उनके ऊपर भी हमला, हिंदुओं के लिए जान का संकट है। जी देखिए, अल्पसंख्यक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बांग्लादेश में देखा गया है कि हमले चलाए जा रहे हैं। हम लोग लगातार बॉर्डर पे मौजूद है और बॉर्डर से जितने भी बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं उनसे भी बातचीत करते रहे हैं हम लोग, तो उनसे भी एक चीज़ मिल रहा है कि एक बात सभी को ही बोल रहा है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर कहीं ना कहीं हमला हो रहे है। जैसे कि राहुल आनंद के घर पर देखा गया है, 130 साल से भी पुराना यह घर है, उस घर को पूरा का पूरा आग के हवाले कर दिया गया। तो जब जब वहाँ पर लोग पहुँचे, जब वहाँ पर दंगाई लोग पहुँचे ये बोला जाना सही रहेगा, तो फिर वहाँ पर राहुल आनंद नहीं मिले, उनके पत्नी नहीं मिले, उनका टीनेज जो बच्चा है उनको भी नहीं मिला। तो उसके बाद देखा गया कि उनका जो घर है वो घर पूरा का पूरा आग के हवाले कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं खतरों पर तो ज़रूर है, यहाँ का लोग जो है वो कहीं ना कहीं डर महसूस कर रहे हैं। लेकिन अभी तक राहुल आनंद कहाँ पर है, उनका परिवार कहाँ पर है, ये अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। उनका जो करीबी है उनसे भी पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ पर है, वो सुरक्षित है भी नहीं। तो ये सारी बात, तमाम बातें ये जानने की कोशिश में अभी जुटे हुए हैं सब कोई। हम लोग इस वक्त है पेट्रापोल बॉर्डर में, और पेट्रापोल बॉर्डर में जैसे कि देखा जा रहा है सुबह से ही ये बॉर्डर खुला हुआ है। बांग्लादेश से काफी लोग इंडिया में आ रहे हैं और उनसे भी बातचीत हम लोग का जारी है। तो जिसमें देखा गया है कि काफी सारे लोग डरे हुए हैं, डरे हुए तो होंगे, जिन्हें अपने ही घर में सुरक्षित वातावरण नहीं मिल रहा है रहने के लिए, उनका ये डर वाजिब है। उनका आप नजर बनाए रखिएगा बॉर्डर पर। बड़ी खबर बता दें, बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जबरदस्त राजनीतिक संकट चल रहा है और वहाँ के हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। करीब 27 जिलों में हिंदुओं के घर और दुकानों पर हमला किया गया है। अब तक जो दुकानों और घरों में हमला किया गया है वो 27 जिलों में ऐसी घटनाएं हुई हैं। 200 से 300 हिंदुओं के घरों और दुकानों के अंदर तोड़फोड़ की गई है। दंगाइयों ने इस्कॉन समेत 15 से 20 मंदिरों को तोड़ दिया है। हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में कई इलाकों में हिंदुओं पर हमला किया गया है। ढाका में उपद्रवियों ने काली मंदिर पर अटैक किया, दो घरों में आगजनी हुई, खानसामा में यह घटना हुई,
दो हिंदू पार्षदों की कल जब हत्या की गई तो ये रंगपुर की घटना थी। दिनाजपुर में 10 हिंदुओं के घरों पर अटैक किया गया। इतना ही नहीं, मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ और रेल बाजार हाट में मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई। कालीगंज में 4 हिंदू घरों के अंदर तोड़फोड़ की गई और हटीबंधा इलाके में 12 हिंदुओं का घर फूंका गया। अब मैं आपको बता देती हूँ बांग्लादेश में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमले की एक तस्वीर। ये तस्वीर बांग्लादेश के मौलवी बाजार की है जहां काली माता के मंदिर में दंगाइयों ने आग लगा दी। मौलवी बाजार में हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी थी लेकिन लगातार हो रहे हमलों की वजह से इस इलाके में हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है। संख्या में वो वैसे ही इस वक्त बांग्लादेश की कुल आबादी का मात्र 7% हिस्सा है और जहां पर थोड़ी बहुत हिंदू आबादी थी वहां पर भी ऐसी हिंसक घटनाओं के बाद हिंदू पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। बांग्लादेश में मंदिरों पर हो रहे हमले पर बागेश्वर बाबा का भी बयान सामने आया है। यहाँ के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए, वरना वो बेचारे कहां जाएंगे। और वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मन हमारा पीड़ित है। हम उनसे कहेंगे कि आप लोग सब्र रखें, आप लोग अपना ध्यान रखें, एकता बनाए रखें और किसी भी प्रकार से किसी के भी विरोध में ना पहुंचें। विनम्रता पूर्वक आप लोग रहें ताकि वहां शांति कायम होवे और हनुमान जी महाराज आप सबकी रक्षा करेंगे। ऐसी हम मंगलमय प्रार्थना, तुम रक्षक काहू को डरना, सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा। इस चौपाई का सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इस चौपाई का पाठ वहां बैठ करके आप करो। हम यहां से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि अपने द्वार को खोलकर बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दे करके उनको जो है प्रसन्न करें। यही इस वीडियो के माध्यम से हम प्रार्थना करना चाहेंगे। इससे पहले योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जताई। स्वामी रामदेव ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की अपील की है। कहा है कि देश को एकजुट रहना होगा ताकि हिंदुओं पर जुल्म ना हो। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो। चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफी ना हो, इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। और पहली बार मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और यही भारत की नीति होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और वो भारत के पड़ोस में जिस तरह से उसने दस्तक दे दी है वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये एकजुटता हमारी आगे भी रहनी चाहिए। कोई यहाँ पर आरक्षण के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई अलग अलग प्रकार के मजहबी उन्माद के नाम पर देश को जो बांटना चाहता है ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारी भारत की राजनीति मुद्दों पर केंद्रित हो। आप जरा याद करें, जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था तब कई सारे सियासी दल ये कह रहे थे कि ये तो भेदभाव वाला एक्ट बनाया गया है, सरकार केवल हिंदुओं के लिए पीड़ा जता रही है, केवल अल्पसंख्यकों के लिए पीड़ा जता रही है, वो अल्पसंख्यक जो भारत के पड़ोसी मुल्कों में रह रहे हैं। आज बांग्लादेश में घट रही इस घटना को आप आधार बनाकर देखें कि ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कितना जरूरी था, क्योंकि आज बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ यानी कि हिंदुओं के साथ बर्बर व्यवहार किया जा रहा है। वो शरण अगर नहीं मांगेंगे भारत से तो कहां जाएंगे।